gitanjali@gmail.com। अच्छा, जैसे कोई फोन कर करवा लेता है तो रिजर्व कर देते हैं, फोन से बुक हो जाता है डायरेक्टली, हो जाता है कैश ऑन उस पे भी। ये सामने है तुलसी पीठ सेवन न्यास, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है रुकने की व्यवस्था है। अब मैं आपको अंदर चल के इनके रूम और चार्जेस के बारे में भी बताऊंगा। यह नॉन एसी कमरे के लिए आपको यहाँ पर इंक्वायरी करनी होती है, 300 रुपये और 500 रुपये के कमरे हैं। ये 300 रुपये वाले हैं। अच्छा, 500 रुपये वाला है कमरा ये। कूलर है और इस तरह का कमरा है। कितने लोग इसमें रुक सकते हैं? 3 लोग रुक सकते हैं इसमें। ये बाथरूम है इसका। ये इधर बालकनी है क्या? ये गंदा होगा क्या? बिस्तर देते हैं। पानी वगैरह देते हैं कि बाहर से सब लेना पड़ता अपना? हाँ हाँ। अच्छा, वो एसी वाला उधर पता करना पड़ेगा। अभी मैं आया हूँ गीतांजलि भवन, जो कि जो मैंने आपको आश्रम बताया था, यहाँ पर भी कमरे आपको मैं दिखा रहा हूँ। जो कमरा है वो 1000 रुपये का, जो डिलक्स रूम है उसके बारे में अंदर चल के देखते हैं। अच्छा, ये चेकआउट आपका रोज दोपहर में ही है। अच्छा, ये 1 एक्स्ट्रा गेस्ट का अगर 3 लोग हैं, तीसरा पर्सन है फैमिली में, 3 लोग, 2 लोगों का लगता है, 1 लोग को 200 रुपये नीचे के मैट्रेस डाल के ऊपर दिया। अच्छा, लिफ्ट वगैरह ये सब है? हाँ, लिफ्ट वगैरह। ऐसा गर्मी और सर्दी का कोई ऐसा सीन नहीं है, कभी भी आए कोई। एक मिनट, देखना था नहीं? देखना ये बालकनी वाले होंगे, इस पर बालकनी है। अच्छा, बाकी नीचे जैसा ही है सेम वैसे ही है, सारे रूम से जस्ट बालकनी है इसमें। ठीक है, थैंक यू। खाली है ये? अच्छा, ये इसका क्या है? इसका 2000। हाँ, इसका 2000। रिवर फ्रंट व्यू है इसका।
और ये सर्विस ऑन कॉल है। अच्छा ये है। आप लोगों का कॉन्टेक्ट नंबर मिलता है? हाँ। जैसे ऑनलाइन अगर बुकिंग करवानी हो, ऑनलाइन बुकिंग ऑनलाइन में भी। अच्छा जैसे कोई फोन करके अगर बुक करवा लेता है तो रिजर्व कर देते हैं, फोन से भी हो जाता है, डायरेक्टली कैश ऑन उस पे भी हो जाता है। ये जो महाराज हैं इनका हमारे घर में प्रवचन सुना जाता है आपको से, है ना? सुनते हैं। अरे बहुत देखा है प्रेजेंट टाइम पे यही है। क्या बात है, अभी हम थोड़ा सा वहाँ पे आग दिखवा रहे हैं, चेकअप हो जाए। बंद कर लेते हैं।